आज हम लोग क्लास 11 पार्ट 5 समरी संख्या और द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 5.4 करेंगे, जिसके अंतर्गत देखिए क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है -15 -8i, ठीक ना। तो इसको आप हल करेंगे तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, माना -15 -8i बराबर x प्लस iy। फिर इसके बाद लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो देखिए वर्ग करेंगे तो ये जाएगा x प्लस iy का होल स्क्वायर और ये करनी हट जाएगा इस पर से, तो ये हो गया -15 -8i। इसको आप ओपन करेंगे तो देखिए क्या जाएगा। देखिए इसका इंट्रोडक्शन में हमने भी बता दिया है, देखिए बात लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2xiy बराबर -15 -8i। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर का माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy बराबर -15 -8i। तो फिर लिखेंगे अब वास्तविक भाग एवं काल्पनिक या अधिकल्पित भागों की तुलना करने पर, ठीक ना, या बराबर करने पर तो करेंगे तो देखिए वास्तविक भाग है तो इसका इससे के संग तुलना हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर -15। समीकरण एक डालेंगे और ये अधिकल्पित भाग है, इसको लिखेंगे 2xy बराबर -8। तो समीकरण ये दो बन गया। अब हम देखें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकाले हैं, अब हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए इसका क्या सूत्र होता है, ये होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर ये y स्क्वायर। अब इस पर हम मान रख देंगे तो देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर का -15 है, तो यहाँ हम लिखेंगे -15 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, ये है 2xy का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक ना। तो मतलब 2xy का होल स्क्वायर मतलब -8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये होल स्क्वायर लिख दिया। 15 का वर्ग करेंगे तो 225 आ जाएगा और 8 का 64, तो ये 5 4 9 6 2 8 और ये हो गया 289, ठीक ना। तो इसका देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ये अगर आप इसका ये होल स्क्वायर है ये स्क्वायर आप इस पर देंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्लस माइनस करनी 289। तो इससे हमको यहाँ पर 17 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये 17 देखिए प्लस और माइनस किसी भी दो देखिए किसी भी संख्या का वर्ग करने पर कभी भी माइनस में नहीं आता, ठीक ना। तो इन दोनों का वर्ग करके जोड़ा गया है तो हमको ये माइनस हमको प्राप्त नहीं होगा, इसका आंसर +17 ही प्राप्त होगा। तो देखिए ये हो गया समीकरण 3। अब देखिए हमको केवल एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है तो यह ठीक ना, तो हमको एक्स और देखिए पहले और तीसरे समीकरण से अगर आप हल करेंगे तो हमको x का मान निकल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, 3 को जोड़ने पर, तो देखिए जोड़ लेते हैं, यहां लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस स्क्वायर है माइनस और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये है -15 और ये है +17।
ठीक ना। ये वाई स्क्वायर प्लस माइनस में है, कट गया, ये आया टू यक्स स्क्वायर बराबर 17 में 15 गया 2, ये 2 यक्स स्क्वायर बराबर 2 बटे 2, तो कट के 1 आ गया, तो यक्स बराबर प्लस माइनस रूट 1, मतलब प्लस माइनस ये 1 प्राप्त हुआ, ठीक ना। अब देखिए यक्स का मान 2 आया है, प्लस 1 और माइनस 1, तो देखिए इसको रख के वाई का भी मान ज्ञात करेंगे, लिखते हैं यदि x बराबर 1 और x बराबर माइनस 1, यदि x बराबर माइनस 1, तो देखिए x इस पर रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 से 2xy बराबर माइनस 8, 2 गुणे 1 गुणे y बराबर माइनस 8, तो ये हो गया 2y बराबर माइनस 8, तो y का मान देखिए माइनस 4 है ना, 2 से कटेगा तो माइनस 4 आ जाएगा। अब यहाँ भी लिखेंगे समीकरण 2 से, ये हो जाएगा 2xy बराबर माइनस 8, 2 माइनस 1 गुणे y बराबर माइनस 8, माइनस 2y बराबर माइनस 8, देखिए 2 माइनस कट जाएगा, ये बचेगा माइनस 8 बटे माइनस 2, 2 चौके 8, तो y बराबर ये 4 आ गया, ठीक ना। तो देखिए जब x का मान 1 है तो माइनस 4 है, x का मान जब माइनस 1 है तो प्लस 4 है। अब देखिए यहाँ पर लिख लेंगे, अतः देखिए जिसका वर्गमूल ज्ञात कर रहे थे, माइनस 15 माइनस 8i, देखिए इसके बराबर हमने क्या माना था, x प्लस आई वाई लिया था, ठीक ना। यहाँ x का मान रख देंगे तो 1 और y का मान कितना है माइनस 4, तो ये माइनस 4 आया, ठीक ना। या अब जब x का मान माइनस 1 रखेंगे तो y का मान प्लस 4 आएगा, तो ये ठीक ना, तो ये 2 आंसर हो सकता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 हमने हल किया, अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, तो इसको लिखते हैं माना रूट अंडर माइनस 8 माइनस 6 आई बराबर यक्स प्लस आई वाई। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर, तो वर्क करेंगे तो जाएगा यक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर बराबर माइनस 8 माइनस 6 आई। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy बराबर माइनस 8 माइनस 6 आई, ठीक ना। ये जाएगा, फिर लिखेंगे वास्तविक भाग, एवं अधिकल्पित भाग, वास्तविक एवं अधिकल्पित भाग या भागों की, ठीक ना, यहाँ जरूरत नहीं है तब इसकी, भागों की तुलना करने पर या बराबर करने पर, तुलना करने पर, तो वास्तविक भाग ये है, ये इसके बराबर हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस 8, समीकरण 1 हो गया, ये अधिकल्पित भाग है, तो इसको लिखेंगे 2xy बराबर माइनस 6, समीकरण 2 डाल लिए। ये देखिए इसके बाद करेंगे हम एक सूत्र लिखेंगे जिससे यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है हमको, तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या होता है इसका, यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर, तो इसका मान रखेंगे हम यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, इसका मान देखिए माइनस 8 है तो माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस
देखिए ये है, इसका माइनस छः का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 4x² y² आ जाएगा हमको, तो ये हो जाएगा 8 9 64 + 36, और 36 64 ये 100 आ गया, तो x² + y², ठीक ना, ये वर्ग इस पर लगेगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x² + y² = ये 10 हो गया, ठीक ना। तो समीकरण 3 डाल लेते हैं इसको। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, जिससे हमको x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 3 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, x² - y² + x² + y² = ये -8 है और प्लस ये 10 है, तो इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x² = 2, है ना, 10 में से 8 गया 2, x² = 1 हो जाएगा, है ना, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा ±√1 या ±1। तो देखिए x का मान 2 आया है, तो हम रखेंगे यदि x = 1, है ना, +1 रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 से ये रहा समीकरण, लिखेंगे 2xy = -6, 2 का मान x का मान 1 रख दिए और ये 6, तो ये आ गया 2y = -6, तो y बराबर कितना जाएगा 2 3 6, तो y का मान आ गया। अब इसी प्रकार हम लिखेंगे यदि x = -1, ठीक ना, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है देखते हैं, ये है 2xy = -6, तो x का मान -1 × y = -6, -2y = -6, देखिए 2 पक्षांतर होगा तो y का मान ये 3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर x का मान +1 है तो y का मान -3, x का मान -1 है तो y का मान +3 आया है, तो लिखेंगे अब देखिए, अतः देखिए क्या माने थे हमने, √8 - 6i = x + iy, तो हम यहाँ मान रखेंगे, देखिए x का मान पहले 1 रखेंगे, 1, तो y का मान -3, तो -i 3 आएगा, ठीक ना, या अब जब x का मान -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा -1 और ये +i 3, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए हमने -8 - 6i का वर्गमूल निकाला, तो ये हम तो प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 2 हमने कर लिया, अब प्रश्न नंबर 3 करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, तो इसको लिखते हैं, माना 1 - i = वर्गमूल x + iy, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो देखिए क्या आएगा, x + iy² कर्णी भर हट जाएगी तो 1 - i बचेगा। अब जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो देखिए x² + y² + 2 × x × y = 1 - i, तो इसको करेंगे तो x² हो जाएगा, -i मतलब i का भी वर्ग करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये y का y² प्लस 2i 2, ये i xy = 1 - i, ठीक ना। अब लिखेंगे वास्तविक एवं अधिकल्पित भागों को बराबर करने पर
करने पर, तो बराबर करेंगे तो देखिए तुलना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक, ठीक ना। और अधिकल्पित भाग है टू एक्स वाई बराबर माइनस एक, समीकरण दो हो गया। अब हम इसमें लिखेंगे, एक सूत्र लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब इस पर रख लेते हैं, देखिए क्या होता है, ये वन होता है, वन का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर, ठीक ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वन प्लस वन मतलब ये टू आ गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये टू आ गया। अब ये वर्ग इस पर लगाएंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्लस माइनस करनी दो, ठीक ना। तो देखिए किसी भी दो संख्याओं का वर्ग किए हैं तो माइनस यहाँ पर आ नहीं सकता, तो ये हमारा केवल प्लस ही रहेगा, ठीक ना। तो ये हो गया समीकरण तीन आ गया। अब समीकरण एक और तीन को जोड़ेंगे तो लिखते हैं समीकरण एक एवं तीन को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसका मान क्या है, वन है, तो लिखेंगे वन प्लस रूट टू। देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये आया टू एक्स स्क्वायर बराबर वन प्लस रूट टू, ठीक ना। या तो रूट टू प्लस वन लिख लेते हैं यहाँ पर, रूट टू प्लस ये वन, ठीक ना, ये बटे में जाएगा तो रूट टू प्लस वन बटे ये दो, और ये वर्ग लगेगा तो जाएगा प्लस माइनस वर्ग मूल रूट टू प्लस वन बटे टू आया। तो देखिए एक्स का मान भी दो आया, एक बार प्लस में आया और एक बार माइनस में आया, तो एक बार हम लिखेंगे एक्स बराबर, देखिए प्लस रख के देखेंगे फिर एक बार माइनस देखेंगे, तो इससे हमको वाई का भी मान ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे यदि एक्स बराबर करनी में करनी दो प्लस एक बटे दो, ठीक ना, तो हम लिखेंगे समीकरण दो से, समीकरण दो से, तो समीकरण दो ये रहा, इसको लिख लेते हैं हम टू एक्स वाई बराबर माइनस एक, तो दो गुड़े एक्स का मान ये रख देते हैं हम, तो ये रख देंगे, देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं रूट, ये रूट टू प्लस वन अब बटे में ये रूट टू, ठीक ना, इस रूट टू को बांट लिए हैं बराबर गुड़े वाई बराबर माइनस एक, ठीक ना। देखिए इस टू को हम ले सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू, ठीक ना, टू को हम रूट टू इंटू रूट टू ले सकते हैं, इसका हल करेंगे तो टू आ जाएगा, इससे ये अपना कट जाएगा ये, ठीक ना। अब देखिए वाई का मान क्या आया, माइनस एक बटे, अब देखिए ये रूट टू ये भी है, रूट टू ये भी है, तो हम इसको ले सकते हैं टू रूट टू प्लस वन, ठीक ना। ये देखिए इसको ना नीचे पक्षांतर कर दिए हैं, और यहाँ भी रूट टू यहाँ भी रूट टू, तो हमने एक रूट टू लगाकर ये टू और ये दो और करनी दो प्लस वन लिख दिया है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ तक तो वाई का मान आ गया, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, यक्स और वाई का मान रखना है हमको, तो देखिए इसका क्या आ जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं वाई बराबर माइनस एक बटे करनी दो और करनी दो प्लस एक, ठीक ना, इतना लिख लिए, और ये जो करनी लगा है इसको हम पूरे के करनी में लगा लेते हैं, ये रहा पूरे करनी में बराबर, और ये माइनस, ठीक ना, ये चीज़ लिख लिया है, इसी को ये करनी पूरा लगा लिया है और ये इसको अंदर लिख लिया है, ये रहा, ठीक ना। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, इसका करनी दो प्लस वन से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, ठीक ना, ये करनी पूरा लिख लिए हैं, इसका पर ये देखिए लिखेंगे हम करनी दो प्लस माइनस वन, करनी दो माइनस वन, तो इससे देखिए क्या आ जाएगा, वाई का मान माइनस करनी में ये हो जाएगा करनी दो माइनस एक बटे, और देखिए ये सेम चीज आ गया एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का इस फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ठीक ना।
ये आ जाएगा माइनस करनी में करनी दो माइनस एक बटे दो गुड़े, देखिए इसका स्क्वायर टू हो जाएगा और इसका वन हो जाएगा, तो माइनस करनी करनी दो माइनस एक बटे ये हो जाएगा दो में से एक गया एक और एक गुड़ा दो में तो ये दो आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए वाई का मान ये हमारा ये आया, ठीक ना। इसको देखिए यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, यहाँ तक भी आंसर आएगा, मगर हमने थोड़ा सा इसको और आगे हल कर लिया, ठीक ना। क्या किया था, इस करनी को पूरा लिख लिया, और देखिए ये चीज़ सेम चीज़ एक बटे दो करनी दो प्लस वन लिख लिया, इसका ऊपर नीचे इसी करनी दो प्लस वन माइनस वन से ऊपर नीचे गुणा किया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, और ये देखा एक्स प्लस वन एक्स माइनस वाई, तो फॉर्मूला लगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, करनी दो का दो और एक का एक आ गया, दो में से एक गया एक, एक दूनी दो, तो ये हमारा वाई का मान आ गया, ठीक ना। जब एक्स का मान प्लस में रखा, अब जब एक बार एक्स का मान माइनस में भी रख के देख लेते हैं इसका क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर रख लेते हैं, यदि x बराबर यहाँ प्लस रखा था हमने, अब माइनस रख के देखते हैं, ठीक ना। ये माइनस वाला रखेंगे, माइनस करनी करनी दो प्लस एक बटे ये दो लिखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण दो से, तो समीकरण दो क्या है, देखिए यही चीज़ था 2xy बराबर माइनस एक, तो 2 इंटू एक्स का मान ये पूरा है तो लिख लेते हैं माइनस करनी रूट टू प्लस वन बटे टू गुड़े वाई बराबर माइनस एक। देखिए ये माइनस कैंसिल हो गया, और देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू, ठीक ना, और ये हो गया रूट टू प्लस वन बटे, और देखिए इसको बांट लेते हैं, देखिए ये रूट टू हो जाएगा, ये रूट टू इसका ऊपर और ये रूट टू इसका नीचे गुड़े वाई बराबर एक हो गया, तो ये रूट टू कट जाएगा। अब ये देखिए क्या बचा, ये आया, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो हमको वाई का मान आ जाएगा एक बटे, देखिए रूट है तो हम एक रूट लगाकर यहाँ पर लिख सकते हैं दो करनी दो प्लस वन, ठीक ना। और ये चाहें तो आप पूरा रूट लगा सकते हैं इसको, ये यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे एक बटे ये रूट ऐसे, ठीक ना। अब देखिए ये y का मान और इस y का मान में देखिए सेम चीज़ है, बस वहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो जब आप इसको इस तरह हल करेंगे तो चीज़ वही आएगी, बस ये माइनस नहीं रहेगा यहाँ ये प्लस में रहेगा, तो हम देखिए इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं रूट अंडर रूट टू माइनस वन बटे टू आ गया, ठीक ना। अब देखिए अब जो हमने माना था जो संख्या अब रख देते हैं इसको, तो देखिए लिखेंगे अतः रूट अंडर क्या चीज़ था क्वेश्चन, वन माइनस आई बराबर एक्स प्लस आई वाई थी, ठीक ना। तो एक्स का मान रख लेते हैं, देखिए एक्स का मान क्या है, हमारा एक्स का मान पहले ये प्लस वाला है, तो लिखते हैं यहाँ पर देखिए रूट टू प्लस वन बटे टू प्लस आई, और वाई का मान माइनस में है, इधर ये रहा माइनस आई रूट अंडर रूट टू माइनस वन बटे टू, तो देखिए ये आ गया। अब जब हम इसी तरह जब इसमें माइनस वाला रखेंगे तो हमको देखिए यही चीज़ प्लस में आएगा, तो क्या कर सकते हैं हम इसको, देखिए ये प्लस है तो माइनस है, जब यहाँ माइनस रखेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, तो इस प्रकार ये हमारा पूरा आंसर आ गया, ठीक ना। तो देखिए इस प्रकार प्रश्न नंबर तीन हमने हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर चार हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर चार है, तो इसको लिखते हैं माना यक्स बराबर रूट अंडर आई बराबर यक्स प्लस आई वाई, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो हमको आ जाएगा यक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर बराबर माइनस आई। अब इसका स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टू एक्स वाई बराबर ये माइनस आई हो गया, ठीक ना। तो इसमें लिखेंगे
वास्तविक एवं अधिकल्पित भागों को बराबर करने पर तो देखिए ये वास्तविक भाग है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, इसमें इधर देखिए वास्तविक भाग नहीं है मतलब से शून्य हो गया समीकरण एक। इसी प्रकार अधिकल्पित भाग को करेंगे तो टू एक्स वाई बराबर माइनस वन आया। फिर हम लोग सूत्र लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इस पर मान रख लेते हैं तो ये जगह एक्स स्क्वायर ये जीरो है, जीरो का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस वन का होल स्क्वायर तो ये वन आ गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर वन। अब इसका वर्गमूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रूट वन, तो इसका मतलब ये आ गया वन में, ठीक ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान वन आ गया। अब हमको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए हमको इन तीनों समीकरण का मदद करके एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे समीकरण एक और तीन को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसका मान शून्य है और इसका मान वन है तो जीरो प्लस वन, ये वाई स्क्वायर कट जाएगा टू एक्स स्क्वायर बराबर एक, एक्स स्क्वायर बटे एक बटे दो ये वर्ग लगेगा तो ये हो जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस एक बटे करनी दो, ठीक ना। तो एक्स का मान दो आया, हम पहले एक्स का मान एक प्लस में रख के देखते हैं, यदि एक्स बराबर एक बटे करनी दो हो और यदि एक्स बराबर माइनस एक बटे करनी दो, तो एक बार लिखेंगे यहाँ समीकरण दो से। तो समीकरण दो में क्या लिखा है टू एक्स वाई बराबर माइनस वन और एक्स का मान यहाँ हम रख देंगे एक बटे करनी दो गुड़े वाई बराबर माइनस वन, तो इससे जाएगा वाई का मान कितना जाएगा रूट टू गुड़े बटे ये दो माइनस में, ठीक ना। ये ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया, इस टू को हम लिख सकते हैं माइनस रूट टू बटे रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं, इससे हमारा ये कट जाएगा तो ये जाएगा माइनस एक बटे रूट टू आ जाएगा, ठीक ना। ये वाई का मान आ गया। इसी प्रकार इसको जब माइनस का मान रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण दो से, तो ये जाएगा टू एक्स वाई बराबर माइनस एक, वाई एक्स का मान रखेंगे एक बटे रूट टू माइनस में गुड़े वाई बराबर माइनस एक। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y का मान कितना आ गया, ये आ गया रूट टू बटे ये टू आ गया, है ना। रूट टू ऊपर पक्षांतर, टू नीचे पक्षांतर, y का मान हो जाएगा रूट टू बटे रूट टू इंटू रूट टू, तो ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा y बराबर एक बटे रूट टू, ठीक ना। अब हम यहाँ पर इसका मान रख लेते हैं तो लिखते हैं देखेंगे अतः, देखिए ये माना था यहाँ पर हम x का मान रखेंगे पहले एक बटे करनी दो, तो y का मान कितना है माइनस आई एक बटे करनी दो, ठीक ना। या जब इसमें देखिए x का मान माइनस एक बटे करनी दो रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस आई एक बटे करनी दो, ठीक ना। और जब इसको हम मिला के लिख सकते हैं तो देखिए ए वाई प्लस में है एक बटे करनी दो तो ये आया माइनस आई एक बटे करनी दो, ठीक ना। अब ये माइनस है देखिए ये प्लस है तो ये माइनस है यहाँ पर, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस आ गया। इस प्रकार इसको हम मिलाकर ऐसे लिखते हैं।
देखिए प्रश्न नंबर चार हमने हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर पाँच करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर पाँच में केवल i दिया हुआ है तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। देखिए लिखेंगे माना रूट अंडर i बराबर x प्लस आई वाई, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर बराबर, ये केवल i बचेगा, ठीक ना। वर्ग करने पर ये करनी हट जाता है। जब आप यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाएंगे तो इसको हल करने के बाद इतना हमको प्राप्त हो जाएगा प्लस i 2xy बराबर, ये i है, ठीक ना। अब इसमें लिखेंगे देखिए वास्तविक एवं अधिकल्पित भागों को बराबर करने पर, बराबर करने पर तुलना करेंगे। देखिए वास्तविक भाग है यहाँ पर नहीं है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर शून्य, और 2xy बराबर यहाँ i है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक ना। समीकरण एक और समीकरण दो हो गया। अब लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर ये y स्क्वायर, ठीक ना। अब x इसका मान यहाँ से हम रख देते हैं, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो इस प्रकार हमको ये 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका इस पर वर्गमूल लगाएंगे तो यहाँ लगा लेते हैं, तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर वर्गमूल एक, ठीक ना। तो ये जगह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर एक, ठीक ना। दो संख्याओं का वर्ग करेंगे तो माइनस में नहीं मिलेगा हमको, इसलिए हमको ये प्लस ही लिखा है, माइनस नहीं लिखा है। तो ये हो गया समीकरण तीन। अब हमको x और y का मान ज्ञात करना है तो लिखेंगे समीकरण एक एवं तीन को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, देखिए इसका मान शून्य लिखा है, जीरो प्लस वन लिख लिया, ये कैंसिल हो गया तो लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर बराबर वन, तो ये हो गया x स्क्वायर बराबर एक बटे दो। तो x स्क्वायर x का मान कितना आया प्लस माइनस एक बटे रूट टू, ठीक ना। अब हम यदि एक बार प्लस के मान रखकर x का मान y का मान रखेंगे निकालेंगे, एक बार प्लस में निकालेंगे यदि, और यहाँ पर y x का मान माइनस में रखेंगे तो इसके संगत y का मान ज्ञात होगा। तो लिखेंगे समीकरण दो से, तो दूसरे समीकरण में क्या है 2xy बराबर एक, ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, हम लगते हैं 2 गुड़े एक बटे रूट टू गुड़े वाई बराबर एक, तो ये हो गया y बराबर रूट टू बटे टू, ये ऊपर और ये नीचे पक्षांतर। इस 2 को हम लिख सकते हैं जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में किया था रूट टू इंटू रूट टू, ये कट जाएगा तो ये जाएगा वाई बराबर एक बटे रूट टू। इसी प्रकार इसमें हम माइनस का मान रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण दो से, तो जगह 2xy बराबर एक, दो गुड़े एक बटे करनी दो और ये माइनस में, ठीक ना, बराबर एक, तो एक y है तो y का मान कितना आ जाएगा माइनस रूट टू बटे ये टू,
इस 2 को लिख सकते हैं हम रूट टू इंटू रूट टू, ये हो गया कट गया, ये हो गया y बराबर माइनस 1 बटे ये रूट टू आ गया, ठीक ना। अब इसमें हम x और y का मान रखेंगे तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा, तो लिखेंगे अतः बराबर, देखिए ये लिखा था x का मान कितना है 1 बटे करने 2 और y का मान कितना आया है प्लस में ही आया है प्लस आई 1 बटे करनी 2, या अब जब x का मान माइनस में रखेंगे तो जगह माइनस 1 बटे करनी 2 और y का मान भी माइनस में ही आया है माइनस आई 1 बटे करनी 2, ठीक ना। ये दो आंसर है, इन दोनों को अगर हम मिला के लिखें तो क्या आएगा, देखिए 1 बटे करनी 2 प्लस आई 1 बटे करनी 2, देखिए जब दोनों प्लस में थे तो, जब अब दोनों माइनस में हो जाएंगे ये दोनों माइनस में हो गया, इसको मिलाकर हमने ऐसे लिख लिया। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 हमने हल कर लिया, अब ये एक प्रश्न अंतिम बचा है प्रश्न नंबर 6, उसे अब हम लोग हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 है 1 प्लस आई, तो इसको हल करते हैं, लिखते हैं माना रूट अंडर 1 प्लस आई बराबर एक्स प्लस आई वाई, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस आई, ठीक है, करनी हट जाएगा इस पर। अब इसको हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाएंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x और ये y बराबर 1 प्लस आई हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और देखिए ये आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर का एक माइनस आ जाएगा और ये वाई स्क्वायर हो गया प्लस आई 2xy बराबर 1 प्लस ये आई हो गया। अब लिखेंगे वास्तविक एवं अधिकल्पित या काल्पनिक कह सकते हैं, अधिकल्पित भागों को बराबर करने पर, बराबर करने पर, बराबर करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 समीकरण 1 और 2xy बराबर 1 समीकरण 2। अब हम सूत्र लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका मान देखे 1 रखा है 1 लिख लिया और ये इसका भी 1 स्क्वायर हो जाएगा तो 1 प्लस 1 बराबर ये 2 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये होल स्क्वायर आया, ठीक ना। ये वर्ग इस पर लगाएंगे तो ये वर्गमूल बनेगा, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर प्लस माइनस रूट 2 आ गया। अब दोनों संख्या का वर्ग कर रहे हैं इसलिए ये माइनस में आंसर नहीं आ सकता है, ये प्लस में ही आएगा, इसलिए इस प्रकार ऐसे लिखते हैं समीकरण 3 डाल लेते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 3 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, देखिए ये है 1 और ये है रूट 2, तो लिखेंगे 1 प्लस रूट 2, ये कट गया, ये आया 2 एक्स स्क्वायर बराबर रूट 2 प्लस 1, इस 2 को नीचे भेज लेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 बटे 2, ये वर्ग इस पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर रूट 2 प्लस 1 बटे ये 2 हो गया, ठीक ना। तो x का मान हमको यहाँ से 2 प्राप्त हुआ है, हम दोनों को क्रम से रखेंगे, एक बार प्लस वाला मान रखेंगे और एक बार माइनस वाला मान रखेंगे तो उसके संगत हमको y का मान ज्ञात होगा, तो लिखेंगे यदि x बराबर
रूट टू प्लस वन बटे ये टू। तो लिखेंगे समीकरण दो से, समीकरण दो से। तो देखिए समीकरण दो क्या है, ये लिखा है, लिखेंगे टू एक्स वाई बराबर एक। तो हम यहाँ पर x का मान रख देते हैं दो गुणे करनी में। तो देखिए इसको करनी अलग अलग कर सकते हैं हम, ठीक ना। ये जो है इसको देखिए हम एक बार ऐसे कर ले रहे हैं, रूट ये प्लस वन अब बटे रूट टू, ठीक ना। ये रूट अलग अलग बांट लिया, तो यहाँ लिखेंगे हम रूट अंडर रूट टू प्लस वन बटे ये रूट टू गुणे ये y बराबर एक लिख लिया। देखिए इस टू को लिख सकते हैं हम रूट टू इंटू रूट टू, ठीक ना। ये कैंसिल हो जाएगा। अब y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा एक बटे, देखिए ये नीचे पक्षांतर हो जाएगा, तो देखिए दोनों रूट रूट में एक रूट लगाकर हम लिख सकते हैं, एक रूट लगाकर हम लिख सकते हैं टू और ये रूट टू प्लस वन ऐसे लगा सकते हैं, ठीक ना। ये चीज़ नीचे पक्षांतर करेंगे तब ना y का मान आएगा। और ये रूट टू है मतलब दोनों पर रूट लगाए, तो एक रूट लगाकर इसको इनको एक संग लिख लिया, ठीक ना। इसको थोड़ा सा हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए इसको हल करने के बाद क्या आएगा, यहाँ यहीं पर कर देते हैं, देखिए यहाँ पर करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं इसको हम y बराबर, देखिए ये जो रूट है इसको हम इस प्रकार ले सकते हैं ऐसे, ये हो जाएगा एक बटे टू ये रूट टू प्लस वन, ये लिख लिया। अब इसका गुणा कर देते हैं, देखिए रूट टू माइनस वन बटे रूट टू माइनस वन ऐसे। तो ऊपर देखिए यही चीज़ आ जाएगा, तो लिखते हैं यहाँ पर हम ये रूट टू माइनस वन बटे ये हो जाएगा, देखिए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर लग जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। तो ये हो जाएगा रूट अंडर रूट टू माइनस वन बटे टू, और ये देखिए दो का करनी दो का वर्ग दो और एक माइनस वन, तो दो में से एक गया एक, तो एक एक दुनी ये दो आ गया, ठीक ना। तो ये वाई आ गया, वाई का मान आ गया। अब देखिए हमने ये प्लस वाला मान रखा था, अब माइनस वाला मान रखेंगे तो देखिए क्या आता है। लिखेंगे यदि यक्स बराबर माइनस रूट अंडर रूट टू प्लस वन बटे ये टू, ठीक ना। तो लिखेंगे समीकरण दो से, तो समीकरण दो से लिखेंगे टू एक्स वाई बराबर एक। तो मान रख देते हैं दो गुणे, ये देखिए माइनस में रख रहे हैं यहाँ पर, रूट टू प्लस वन बटे टू गुणे वाई बराबर ये वन आ गया, ठीक ना। अब देखिए इस टू इसको हम लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू, और ये माइनस यहाँ लिख दे रहे हैं हम, ठीक ना। और इसको लिख सकते हैं देखिए रूट के अंदर रूट टू प्लस वन है ना, रूट अलग अलग बांट लिया गुड़े ये वाई बराबर एक। तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी और जो बचा इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, वाई बराबर माइनस एक बटे, और देखिए ये भी रूट टू है ये भी रूट में है, तो हम एक रूट लिख कर इसके अंदर लिख सकते हैं टू रूट टू प्लस वन लिख देंगे, ठीक ना। अब देखिए ये y का मान देखिए ये आया और ये आया, ठीक ना, वो प्लस में है ये माइनस में है। तो जब हम इसको हल किए हैं तो देखिए ये प्लस में आया है, ठीक ना, प्लस वाला प्लस में आया है, माइनस वाला माइनस में आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस रूट अंडर रूट टू रूट टू माइनस वन बटे ये टू लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए क्या माना था हमने, अतः रूट वन प्लस आई बराबर यक्स प्लस आई वाई लिया था, ठीक ना, यही था क्वेश्चन। अब देखिए यक्स का मान क्या आया है, यक्स का मान ये आया है रूट टू प्लस वन बटे टू, और आई का मान देखिए प्लस में ही है वाई का मान, तो इसको भी लिख लेते हैं रूट टू माइनस वन बटे ये टू आया, ठीक ना। जब प्लस में था तो वाई का भी मान प्लस में आया है, और जब वाई का मान माइनस एक्स का मान माइनस में है तो वाई का मान भी माइनस में आया है। तो देखिए ये इसका उत्तर आया, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। अब हम लोग विविध प्रश्नावली हल करेंगे।